हम आपको बताने वाले हैं पेपर पॉट्स के रेस्क्यू सूट के बारे में। गाइज, एमसीयू के स्टोरी लाइन में जितना इम्पोर्टेंट आयरन मैन है, उतना ही उसके लाइफ में पेपर पॉट्स का भी है, और इसीलिए कई सारी मेजर स्टोरी लाइन्स में हम ऐसा देख चुके हैं कि सब कुछ पेपर पॉट्स के ऊपर ही होता है। वो कहानी में एक टर्निंग पॉइंट लेके आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एवेंजर्स 4 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा फोटो आया है जिससे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमें सामने मिलती है। इसमें पेपर पॉट्स को प्ले कर रही एक एक्टर ग्वेनेथ पेल्ट्रो ने एक सेल्फी अपलोड की है, जिसमें वो एक ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ी है और उन्होंने एक आर्मर पहन रखा है, एक आयरन मैन जैसा आर्मर जो कि एक पर्पल और सिल्वर कलर का है। और इससे पहले भी एमसीयू में हम पेपर पॉट्स को आयरन मैन का आर्मर पहने हुए देख चुके हैं, लेकिन कॉमिक बुक्स में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पेपर पॉट्स बहुत बार आयरन मैन का आर्मर पहन चुकी है और उसके लिए स्पेशलाइज्ड आर्मर बनाया गया था, और काफी सारी स्टोरी लाइंस इसी के आसपास घूमती हैं। और एवेंजर्स 4 में भी जब पेपर पॉट्स आयरन मैन का आर्मर पहन के सामने आएगी तो वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। तो हम ये तो जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में आयरन मैन अभी टाइटन पर ही फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि पेपर पॉट से उसको रेस्क्यू करे और वहां से लेकर धरती पर आए। लेकिन क्योंकि इतने सारे हीरोज थैनोस के फिंगर स्नैप का शिकार बन चुके हैं, तो क्या हो सकता है कि इस समय पेपर पॉट्स भी एक सुपर हीरो के रूप में हमारे सामने आए और आयरन वुमेन बनकर थैनोस के फिंगर स्नैप को अंडू करने में मदद करे। तो आपको बता दें कि ऐसे ही कुछ कॉमिक बुक से बहुत बार हो चुका है, जिसमें पेपर पॉट्स एक स्पेशलाइज सूट पहने हुए नजर आती है और इसका नाम रखा गया था रेस्क्यू सूट, और पेपर को एक नया सुपर हीरो नाम मिला था और उसका नाम भी रेस्क्यू ही था, जिसमें वो एक से ज्यादा बार आयरन मैन को बचा चुकी है। एक कहानी के दौरान जब नॉर्मन वॉमन के पास बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो टोनी स्टार को हंट कर रहा होता है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और तब पेपर ही सूट पहनकर इन पूरी सिचुएशन को संभालती है और वो भी लगभग अरेस्ट होने ही वाली होती है, लेकिन लॉस्ट मोमेंट पर हमें वो सूट को पहने आयरन मैन और खुद को बचाते हुए नजर आती है। और उसी के बाद एक स्टोरी लाइन के दौरान जब आयरन मैन बहुत ही ज्यादा बदल जाता है, कुछ कारणों के दौरान वो वापस एक अल्कोहलिक बन जाता है और इतना इगोइस्टिक हो जाता है कि तब वो एक विलेन की तरह लगने लगता है और अपने यूजुअल सेल्फ से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, और तब पेपर पॉट्स रेस्क्यू के रूप में सामने आती है और पूरी सिचुएशन को संभालने में मदद करती है, और वो आयरन मैन को किडनैप करती है ताकि वो उसे समझा सके और उसे वापस इंसान बना सके। लेकिन शुरुआत में तो वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है, लेकिन फिर वो कसम खाती है कि वो आयरन मैन को ऐसा गलत काम करने नहीं देने सकती और वो कोशिश करती रहेगी कि वो उसे वापस एक होश में लाए और याद दिलाए कि वो कैसा हुआ करता था और इस समय वो कितना बदल चुका है। और गाइस, अगर कॉमिक बुक में पेपर के इस आर्मर की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड वेपन्स तो नहीं होते, तो अगर इसमें मेन वेपन की बात की जाए तो इसमें मेनली सोनिक वेपन्स ही होती है, जिसमें वैसे तो समय के साथ कुछ अपग्रेड दिया जाता है, लेकिन यूजुअली ये ऐसा ही होता है क्योंकि इसे डिजाइन करने का कारण भी कुछ अलग ही था। और इस सूट को पहनने के बाद पेपर के पास आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट और उसके रूट्स में लगे हुए कुछ रिपल्सर्स, और इस आर्मर को स्पेशली पेपर के लिए ही डिजाइन किया गया था, और इसमें कुछ नई पावर्स भी ऐड की गई थी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डिसेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड, इनहैंस सेंसेस, जिसे समय के साथ और भी ज्यादा अपग्रेड किया गया। ये तो थी कॉमिक बुक की सूट की बात। फोटो में जो सूट दिख रहा है, जो एवेंजर्स 4 में नजर आने वाला है, जिसके चेस्ट में हम देख सकते हैं कि ये कंपार्टमेंट कुछ होल जैसा है, उसमें लगाया जाएगा एक आर्क रिएक्टर जिससे सूट को पावर मिलने वाली है। सो गाइस, एवेंजर्स 4 में पेपर पॉट्स रेस्क्यू सूट पहन के एक सुपर वुमन के द्वारा हमारे सामने आने वाली है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी फ्लेम, मेक फ्लेम, मेक समथिंग। वन आप देख रहे हैं मिस्टर फ्लेम और मैं अनुभव। बाय।